ठीक है, फाइल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ न्यू फाइल, और मेरे पास जो टेक्स्ट फाइल है इधर है मेरे पास बुकिंग, ठीक है, इसका नाम हमने रखना है बुकिंग। फाइल को पहले सेव कर लूँ मैं, बुकिंग डॉट पी एच पी। एच टी एम एल पढ़ रहे हैं क्या? अलग से ही आता है ये भी, ठीक है। और अबाउट है हमारे पास, ठीक है, तो इसी तरह हमने अबाउट का पेज भी बनाना है। फाइल लिंक फाइल टेक्स्ट फाइल कंट्रोल एस अबाउट डॉट पी एच पी। हेडिंग लिखनी है आपने इस तरह, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और यहां पे मैंने लगा दिया है अबाउट, और इसी चीज को कॉपी करा और बुकिंग के अंदर लाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। और यहाँ है बुक, ठीक है, बुक योर टिकट नाउ, बुक टिकट में आ रहा है बुक योर टिकट नाउ। अबाउट में जब आप क्लिक करोगे तो बेटा अबाउट का आएगा, और ऑफर्स का इसी तरीके से ऑफर्स का पेज बनेगा। तो आप यहाँ हेडर के अंदर जो है ना पीछे जो है ये चीज़ें चेंज कर लेना, जो इसकी नेविगेशन बार है ना यहाँ पर, ठीक है, अबाउट है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा अबाउट डॉट पी एच पी आएगा। इसी तरह ऑफर का है तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी ऑफर डॉट पी एच पी, ठीक है। इसी तरह ऑफर का पेज भी आप बना लो, साथ साथ ही बना लो, ताकि फिर दोबारा बार बार ना बनाना पड़े ना। ऑफर डॉट पी एच पी, ठीक है। इधर आए, रिफ्रेश करा, अबाउट हो गया, बुक टिकट अबाउट देन ऑफर। ऑफर के पेज पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऑफर के पेज पे भी सेम वैसे ही जाएगा जैसे ये बुकिंग के पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर इसलिए मैं पेस्ट कर दे रही हूँ, फिर बाद में ना करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अवेल न्यू ऑफर्स, ठीक है, कोई भी आप इसकी हेडिंग्स डाल सकते हो यहाँ पे, और यहाँ हेडिंग वगैरह डाल के फिर ये, ठीक है, ये यहाँ आप इस तरह लगा सकते हो। बुक टिकट है बुक योर टिकट नाउ, अबाउट है देन हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गया, और ऑफर्स है हमारे पास मूवी है तो मूवी में कमिंग सून, एंड देन हमारे पास ये नाउ शोइंग है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता सकती हूँ, ये तो खैर हमारे पास आ रहा है कि कमिंग सून है, देन इसके बाद यहाँ पे हमने अलग अलग पेज बनाए हुए, सिंगल पेज से भी बनती है। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। अब हमें बुकिंग के ऊपर काम करना है, तो बुकिंग के लिए हमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पे डेटाबेस बनाना है, ठीक है। न्यू मैंने किया, ठीक है, तो पहले मैं जो है वो टेबल का नाम जो रखना है वो मैंने यहाँ पे रखा है बुकिंग, ठीक है। अभी इसके अंदर हमारे पास और भी चीज़ें, बुकिंग आईडी है बेसिकली, आईडी क्या हमारे पास बुकिंग आईडी है, ठीक है, बुकिंग आईडी है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो बुक कर रहा है टिकट उसकी कस्टमर आईडी क्या है, ये फॉरेन की बनेगा, अभी कस्टमर का रिकॉर्ड भी ऐड करना है, ठीक है, वो रजिस्टर से ऐड होगा। कस्टमर कौन से कस्टमर ने बुक करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टिकट कितने हैं हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ टिकट कितने, 4 5 6 कितने हैं हमारे पास, या हम नंबर ऑफ टिकट नहीं लिखते, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ टिकट 4 5, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। जो पहले आईडी है ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है, और उसके साथ जो है वो ये क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ होनी चाहिए बुक करने के लिए टिकट, ठीक है, कि आपके पास टिकट नंबर ये है, ठीक है। सीट डिटेल के लिए हमारे पास एक सीट
TTID होगी, ठीक है, जिसमें आपके पास मल्टीपल, जैसे अगर आप एक सीट करते हुए, दो सीट करते हुए, तीन या चार, जितनी भी आप सीट्स करोगे वो उसके हिसाब से यहाँ पे एक कस्टमर की आ रही होगी, ठीक है ना। तो सीट डिटेल आईडी हमारे पास आ रही है, और हमारे पास क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, आप जो टिकट बुक कर रहे हो वो कौन से सिनेमा का कर रहे हो, ठीक है ना, सिनेमा का कौन से, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सिनेमा आईडी होगी। यहाँ पे नहीं आया ना अभी, कौन सी मूवी देख रहे हैं आप, उसकी मूवी आईडी, ठीक है, या शो आईडी भी लगा सकते हैं, जो पर्टिकुलर मूवी की शो आईडी लगी ना तो डिटेल उसी के अंदर होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि हमारा जो शो आईडी है वो क्या है, किस शो आईडी में ये गिवन होगा कि कौन सी मूवी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हो गया कि कौन सा कस्टमर है, उसकी नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं, ठीक है, और उसकी सीट डीटी आईडी क्या है उसकी, ठीक है, डिटेल आईडी क्या है, उसके बाद ये है कि उसकी सिनेमा की आईडी क्या है, यानी कौन से सिनेमा में वो देख रहा है, या शो आईडी में लगा दूँ सिनेमा डिटेल्स तो वो भी वहीं लगा सकते हैं, डेट टाइम ये मूवी और इस पर्टिकुलर सिनेमा में, तो फिर मुझे ये लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कस्टमर हो गया कि कौन सा कस्टमर देख रहा है, कौन सी शो है वो उसकी शो के टेबल में आएगी, टिकट्स हमारे पास ये हैं, सीट की डिटेल्स हमारे पास ये है, और कुछ लगता है कि इसके अंदर एड ऑन होना चाहिए, ठीक है। बुकिंग की जो डेट है ना, यानी आपने जो बुक किया है उसकी डेट क्या है, ठीक है, और फिर हमारे पास टोटल अमाउंट क्या बना है, मतलब टिकट अमाउंट क्या है हमारे पास, ठीक है, मतलब कितने का आपने टिकट लिया है, क्योंकि इसी के बेस पे अगर कोई रिफंड विफंड का अगर ऑप्शन अगर आप रखते हो तो वो इसी के बेस पे होगा कि भाई आपने बुकिंग कब करी थी, और अगर आप कैंसिल वगैरह करते हो तो हमारे पास क्या है, ठीक है, आपके पास क्या है, आईडी होगी, कस्टमर आईडी हो गया, शो आईडी हो गया, नंबर ऑफ टिकट्स कितने लिए, सीट डिटेल्स की आईडी होगी, हमारे पास बुकिंग डेट होगी, और हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है, सही है, मतलब जो भी उसके बिलिंग अमाउंट है या बिल अमाउंट हमारे पास क्या मौजूद है ये। अच्छा, सबसे पहले बात है कि ये मेरे पास पहला वाला प्राइमरी की है, सही है, और ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या चीज आएंगी, कस्टमर आईडी इंटीजर रहेगी, ये भी दूसरे टेबल से आएगा, ये भी फॉरेन की बनेगा, ये भी, ये नंबर ऑफ टिकट जो है वो तीन चार पाँच जो भी होंगे ये भी इंटीजर रहेगी, सीट डिटेल आईडी ये भी इंटीजर रहेगी, जो ये डेट है ये सिर्फ किस में आएगी, हमारे पास डेट में आएगी, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास इंटीजर भी रख सकते हो, और इसको मैं क्या रख सकती हूँ, डबल या डेसिमल भी रख सकती हूँ, क्योंकि पॉइंट वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। ये इस तरह करके मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। पहले ये करो, फिर इससे रिलेटेड टेबल्स और बनवाने। यहाँ पे कस्टमर आईडी है, शो आईडी है, नंबर ऑफ टिकट है, सीट डिटेल है, बुकिंग डेट है, और टोटल अमाउंट है, ठीक है। कस्टमर के लिए मैं पहले कस्टमर का टेबल बनाऊँ, फिर शो आईडी का बनाती हूँ, फिर सीट डिटेल्स का बनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं न्यू टेबल बना रही हूँ कस्टमर का, इसी से रजिस्टर होगा जो भी कस्टमर है ना, ठीक है। कस्टमर के लिए कस्टमर क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे मैं और ज़रा कॉलम्स और ऐड कर दूँ, कस्टमर आईडी
कस्टमर का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका सेल नंबर, नहीं नहीं इतनी डिटेल नहीं लेनी उसकी, ठीक है ना। आईडी, नेम, ईमेल, सेल नंबर, जेंडर, उसका यूजर नेम। एक काम ये करते हैं, हम सेल नंबर से ही लॉगिन करा देंगे ना, ठीक है, या उसके नेम से करवा दो, या ईमेल, ईमेल या सेल नंबर से किसी से भी करवा लेंगे। और यहाँ हम उसका पासवर्ड रख देते हैं, जो भी उसका पासवर्ड होगा वो, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास पहला जो है वो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है, कस्टमर आईडी, ठीक है। कस्टमर का जो भी नाम है वो उसका अपना फुल नेम है, ठीक है, ये कस्टमर का फुल नेम है। तो ये मेरे पास किस में होगा, वार्ड चार, और लेंथ इसकी क्या होगी, 50। इसी तरीके से ये भी वार्ड चार है और इसकी लेंथ क्या है, 50 है। सेल नंबर भी वार्ड चार रख रही हूँ और इसकी लेंथ भी मैं क्या कर रही हूँ, 50 रख रही हूँ। जेंडर हमारे पास क्या है, वार्ड चार है और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 10, ठीक है। पासवर्ड हमारे पास क्या है, वार्ड चार है, MD5 आ रहा है, ये MD5 का तो फिर मैंने वहाँ पे लगाना पड़ेगा, वार्ड चार है और इसकी लेंथ जो है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ 200 या जो भी आपने रखना है, ठीक है, लंबा चौड़ा हर तरह का, वैसे 200 बहुत है, हाँ, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल 100 कर लिया, ठीक है। लेट सपोज मैंने ये पासवर्ड दे दिया, जेंडर दे दिया, सेल नंबर दे दिया, ईमेल एड्रेस दे दिया और फुल नेम करके दे दिया, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ मुझे लगता है कि यूनिक होनी चाहिए, लेट सपोज कि एक यूज़र जो ऐड हो रहा है उसका ईमेल एड्रेस एक यूनिक होना चाहिए और सेल नंबर भी उनका ना यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना, यूनिक होना चाहिए। यानी एक कस्टमर अगर एक दफ़ा अपने सेल नंबर और इस ईमेल एड्रेस से रजिस्टर हो गया तो वो दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। और जेंडर देन पासवर्ड, ये सब कुछ करने के बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ पे सेव। कस्टमर का हो गया यहाँ पे सेव, ठीक है। अब मुझे कौन सा करना था, शो आईडी का, ठीक है। अब जो हमारे पास शो आईडी है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया है शो का टेबल बना रही हूँ मैं, ठीक है। इधर उसकी आईडी आ जाएगी शो आईडी की और ये मेरे पास प्राइमरी हो जाएगा, और इसके साथ ही हमारे पास ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद है शो का नेम क्या, ठीक है ना। शो नेम में आपने बेसिकली जो शो है उसमें आपके पास जो है वो मूवी, यानी कौन सी मूवी आप शो करा रहे हो, एक तो शो आईडी है, एक मूवी आईडी, यानी कौन सी मूवी है, ठीक है। और मूवी की डेट क्या है, सही है, मतलब किस डेट को जो है वो आपका शो टाइम क्या है, शो डेट एंड टाइम आप यहां लगा लो, चलो शो डेट। इसी तरीके से टाइम इसका मल्टीपल हो सकता है, पर्टिकुलर मूवी का क्या हो सकता है, टाइम हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी शो टाइम आईडी, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल होगा, ठीक है। और क्या चीज़ें हो सकती है हमारे पास, मूवी की आईडी, मूवी का डेट हो गई और उसका टाइम स्लॉट हो गया, सही है। और इस मूवी में जो भी है हमारे पास इसकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ सीट कितनी अवेलेबल है, और इसमें सिनेमा आईडी कौन सी, यानी किस सिनेमा में ये लगी हुई है, ठीक है ना, इसका ये एक टेबल बनेगा। अच्छा, मूवी आईडी इंटीजर है वो तो प्राइमरी की है, शो डेट में हमारे पास यहाँ आ जाएगा डेट आ जाएगी, ठीक है। ये इंटीजर होगा, नंबर ऑफ सीट इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है,
सेव शो इज आर ओके ये हमने बना दिया मूवी मूवी आईडी से आ जाएगी शो डेट हो गया शो टाइम आईडी जो कि जो भी शो टाइम आईडी का वो बनेगा उसमें होगा कि कौन सी शो की जो है वो मल्टीपल टाइम आ रहा है पहले इसका कंप्लीट कर दूं फिर मैं बताती हूँ शो टाइम ठीक है एक इसमें आईडी चल रही होगी जो कि हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा और प्राइमरी भी होगा और उसके बाद होगा हमारे पास यहाँ पे शो आईडी यानी किस शो का ठीक है और उसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पे टाइम और टाइम वारचार में ही देंगे क्योंकि हमें रेंज देनी है ना कितने से कितने तक का है ठीक है तो ये वारचार है और इसकी लेंथ क्या है 50 है ये सेव हो गया ठीक है इस तरीके से इस शो आईडी के ये टाइम्स मल्टीपल है अच्छा मैं शो पे जा रही हूँ यहाँ पर शो में जाने के बाद इसके स्ट्रक्चर पे जाकर मैं पहले इसका रिलेशनशिप बना दूँ ना मुझे बनाना है इधर से शो टाइम आईडी किस में से लेना है शो टाइम की आईडी से जाके इसको क्या कर देना है सेव कर देना है ज्वाइन कर देना है ये इसके साथ कनेक्टेड है ठीक है इसी तरीके से हम मतलब ये फ़ौरन की से कनेक्टेड हो गया अब ये मूवी आईडी है इसकी मूवी रिलेशनशिप व्यू में आ रही हूँ मैं अब मुझे दूसरा उठाना है इसकी मूवी आईडी है मूवी आईडी जो है वो हमारे पास मूवी के टेबल की क्या हुआ मूवी में आईडी नहीं बनी हुई क्या स्ट्रक्चर फॉरेन की वगैरह बनेगा इंडस्ट्री कौन सी है रिलीज डेट है मेरे ख्याल से ये इनकम्प्लीट है ठीक है ना इधर इधर फिर आ गया मूवी मूवी आईडी मूवी और ये आईडी ये सेव कर दिया मैंने ठीक है अब मैं जा रही हूँ वापस शो में और इधर स्ट्रक्चर में यहाँ पे शो टाइम एंड मूवी आईडी मेरे पास ये आ गया सैनमा आईडी ठीक है सैनमा की आईडी के लिए सैनमा का टेबल बनेगा ठीक है तो यहाँ पे अब हम बना रहे हैं सैनमा तो यहाँ पे उसकी आईडी आ जाएगी ऑटो इंक्रीमेंट सैनमा का मेरे पास यहाँ पे नेम आ जाएगा और उसके पास उसकी जो है वो लोकेशन आ जाएगा कि कौन सी लोकेशन है और उसका जो है वो सिटी कौन सा है ठीक है और सिटी हमारे पास वारचार है लोकेशन का मतलब ये कि आपकी कराची का कौन सा एरिया लगता है नॉर्थ अहमदाबाद लगता है गुलिस्तान जोर लगता है जो भी है इसका डिफेंस लगता है वो सारी चीज़ें वारचार है ये भी और मेरे पास ये भी वारचार है ये मेरे पास 50 है लोकेशन भी 50 है और सिटी भी मेरे पास क्या है 50 है ये सिर्फ प्राइमरी की है ठीक है और जो आपके पास सैनमा की जो भी लोकेशन का नाम होगा वो यूनिक होगा ठीक है कोई भी लोकेशन बार बार रिपीट नहीं हो रही होगी मतलब कोई भी सैनमा का नाम जो है वो बार बार खैर ये रहने दो वरना अगर मैं इसको करूँगी ना यूनिक क्या पता कि वो निप्लेक्स जो है वो हम उसकी बात कर रहे हों सिटी की या किसी और डिफरेंट जगह की बात कर रही हूँ लोकेशन में तो इसको खैर रहने दो ये ऑप्शनल रखूँगा सेव करा मैंने यहाँ पे अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे इसकी आ गई प्राइमरी की और ये सब ना सैनमा का आ गया वापस शो में मैं गई शो में जाके स्ट्रक्चर में मैं गई शो में अब मैंने कहा सैनमा आईडी देनी रिलेशनशिप व्यू में गई मैं यहाँ आने के बाद मैंने कहा सैनमा आईडी के ऊपर सैनमा की स्पेसिफिक आईडी लग जाएगी ठीक है सेव अब इसके स्ट्रक्चर पे आओ तो इसकी सारी चीज़ें मेरे पास कंप्लीट हो गई ना नंबर ऑफ सीट और ये कि टोटल इसकी कितनी सीट है इस पर ये अवेलेबल है अच्छा अब जो हम कर रहे थे वो बुकिंग के लिए कर रहे थे बुकिंग के अंदर आप स्ट्रक्चर पे आ जाओ तो मेरे पास ये कस्टमर आईडी वाला जो पोर्शन है इस पर मैं पहले एक काम कर लूँ कस्टमर आईडी हमारे पास कस्टमर के टेबल की आईडी मौजूद है ठीक है इस पर मैंने सेव कर दिया
अब अगेन स्ट्रक्चर पे आप देखो हमारे पास शो आईडिया कहाँ से आएगी, शो से आएगी। तो मैं अब यहाँ से जो पिक कर रही हूँ मेरे पास क्या है, शो आईडी। कौन सा टेबल है हमारा, शो का, उसकी आईडी है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सी डिटेल, ठीक है, नंबर ऑफ टिकट, यूजर ने कितना है बुक किया, सीट डिटेल आईडी है कि कितनी सीट जो है वो आपकी बुक हुई है, कौन सी शो की और कौन से कस्टमर ने बुक करा, ठीक है ना, ताकि हमें ये पता चल सके कि सीट अवेलेबल है भी या नहीं, ऐसी ही बुक हो गई है, ठीक है। तो अब हमें सीट डिटेल के लिए अलग से जो है वो टेबल बनाना, ताकि हम इसको इसके साथ क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें। तो न्यू मैं कर रही हूँ, अब यहाँ पर मैंने किया है सीट डिटेल, ठीक है, और इधर आईडी है प्राइमरी की है, कौन सा कस्टमर आईडी है, किस कस्टमर ने, ठीक है, कौन से शो के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सीट नंबर, यानी कौन सा नंबर बुक करा है, ठीक है ना, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और फिर हमारे पास ना सीट की फिर वो ग्रुप भी होता है, ग्रुप ए बी, ठीक है, जो भी आपके सिनेमा की सीटिंग अरेंजमेंट होती है ना, फिर उसके ग्रुप भी होते हैं कि कॉर्नर सीट लिए, क्या लिए, ठीक है। तो वो नंबर के हिसाब से होते हैं कि ग्रुप ए या बी, यानी दो पोर्शन बने हुए, तो ए और बी में से आपने क्या लें, क्या लिया है, ठीक है। तो इतना नहीं जा रहे हम, सिर्फ सीट नंबर पर जा रहे हैं, 40 सीट है तो 40 सीट में से आपका नंबर कौन सा, वो कहीं पर भी बिलोंग कर दिया, ठीक है। सीट नंबर क्या है, शो आईडी इंटीजर क्या है, कस्टमर आईडी क्या है, ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, इंटीजर है, ठीक है ना। और ये जो कस्टमर आईडी, इसकी जो डिटेल्स और ये सब आएंगी, ये दोनों फॉरेन की बनेंगी, ठीक है। सीट नंबर इसका अपना चलता रहेगा, सही है। इसको मैंने यहाँ पे करा सेव, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप व्यू में आई, मैंने कहा जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर के टेबल की आईडी से आएगा, और एक और इसके अंदर कॉन्स्टेंट ऐड करो, और वो है मेरे पास शो आईडी, वो मेरे पास शो के टेबल की आईडी से आएगा, ये सेव कर दिया। तो ये सीट डिटेल्स मेरे पास हो गई, ये पर्टिकुलर उससे आ रहा है, ठीक है। अब इसको कहाँ लगाना है, बुकिंग में लगाना है। अब इसकी आईडी बुकिंग में लानी है, आपको पता है ये एक टेबल एक के अंदर एक बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम देखोगे तो तुम्हें खुद ज़्यादा फिर क्लियर होगा। सीट डिटेल आईडी, ठीक है, ये आपके पास सी डिटेल्स की जो पर्टिकुलर आईडी है वहां से जाकर ये सेट होता है। अच्छा, अब मैं आपको जरा इसकी डिजाइन के ऊपर ले जाऊं, ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिजाइन से इसको दिखाऊं कि भाई ये क्या चीज है और क्या बन रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी आपके पास यहाँ बुकिंग में आ रही है, सही है, और जो सीट डिटेल है कस्टमर की आईडी इसमें भी आ रही है, इसकी जो हमारे पास है ये वाली इधर जा रही है, हमारे पास शो टाइमिंग है, शो टाइमिंग हमारे पास कहाँ कहाँ कनेक्ट है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल जगहों पे कनेक्ट है हमारे पास ना, ठीक है। इसको ज़रा सही यहाँ कर लो, कस्टमर, एक मेरे पास यहाँ आ रही, मतलब मेरे पास जो शो की आईडी है वो बुकिंग में भी जाएगी और सीट डिटेल में भी जाएगी, ठीक है। इस तरह मूवी की आईडी भी आएगी इधर, शो टाइम मेरे पास क्या है, अच्छा शो टाइम की जो आईडी है वो मैंने शो टाइम के यहाँ पे, ये चीज़ें मल्टीपल होंगी जिसलिए मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये अब सारा रिकॉर्ड मेरे पास ये जो डिस्प्ले में आना है ना, इनको फिल करना, और फिल करके इनका डिस्प्ले के अंदर मुझे रिकॉर्ड लेके आना है, ठीक है, जिस तरह आपके पास चीज़ें आती हैं बुकिंग के लिए,
फिर जो एट द एंड आपका बुक हो जाएगा तो हमारे पास ये आएगा, और जो बुकिंग आईडी होगी वो आप यूज़र को प्रोवाइड कर दोगे कि ये बुकिंग आईडी और इस बुकिंग आईडी के ऊपर आपके पास ये है। या फिर हम ये करेंगे, बुकिंग आईडी करने के बाद एक पीडीएफ सी जनरेट कर लेंगे जो बुक की जो हमारे पास स्लिप होती है ना, टिकट का जो स्लिप टाइप का है वो एक हार्ड कॉपी पे जिस तरह आपका वाओ ठीक है टिकट होगा वो हम ऑनलाइन जो है वो प्रिंट कर लेंगे कि आप इसको सेव कर लो या प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, जब आप कहीं मूवी देखने जाओगे तो आपके पास या तो पीडीएफ फाइल में ये मौजूद होनी चाहिए, जिसकी बिहाफ पे जो है वो जो पेड होगी उस पर एक पर्टिकुलर स्कैन करके आप एक पिक्चर करके एक प्रॉपर पीडीएफ बना लेंगे कि बुकिंग कंप्लीट हुई, आपको एक वो पीडीएफ बना के दे देगा कि ये सीट नंबर है, ये डिटेल्स है, और इसके साथ जो है ना आप इसे डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो फिलहाल हमने सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर बनाया है, इस पर हमने अभी फर्दर कोई भी डाटा इम्प्लीमेंट नहीं करा है, तो हम इसके अंदर डाटा डाल देते हैं खाली, और बाकी का जो फैचिंग वाला काम है ना, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर फैच वगैरह होकर आएगा वो सारा काम हम बाद में कर लेंगे, या हम फॉर्म बना लेते हैं खाली। इधर देखो, सबसे पहले अब हम जाते हैं सैनमा। अगर मैं सैनमा के स्ट्रक्चर में आती हूँ तो क्या इसके अंदर कोई फॉरेन की है? नहीं है। तो जिस टेबल में फॉरेन की नहीं होती वो उस टेबल का रिकॉर्ड सबसे पहले इंसर्ट करना होता है, सही है? और अगर इसमें फॉरेन की होती तो पहले मैं जाके वो वाला टेबल फिल करती, फिर मैं ये फिल करती। अब इंसर्ट में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आईडी बाय डिफॉल्ट है सैनमा का, कोई भी आपने नाम बताना है, लोकेशन बतानी है, देन सिटी बताना है। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ कराची, यहाँ पे मैं नेम लिख रही हूँ, सैनिप्लेक्स एट्रियम मॉल है कहाँ पे, सदर में, DARDER, सही है ना। क्या अभी मैंने ये सिर्फ दो डाली हैं, ठीक है, इस तरह आप और भी डाल सकते हो। आप लोकेशन डाल सकते हो, देन सिटी डाल सकते हो, न्यूप्लेक्स और भी जगह पे डीएचए में है, और एक मेरे ख्याल से अस्करी 4 है 3 है आई थिंक सो। अस्करी 4 ठीक है, और ये है कराची, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ये तीन सैनमा डाले हैं और कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। सैनमा है अच्छा, सैनमा की तो हमारे पास आ गई है। इसके बाद अगर मैं आती हूँ शो में, कि हमारे पास अगर शो यहाँ पे है तो हमारे पास मूवी आईडी हो गया, शो का टाइम, ठीक है, टाइम आप बताओगे कि भाई कौन से टाइम आईडी जो है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इधर आती हूँ टाइम वाली पे, जो कि हमारे पास है टाइम शो टाइम की डिटेल्स, तो इसके अंदर देखो स्ट्रक्चर के अंदर ना ये बना हुआ है शो आईडी का, इधर मैंने फॉरेन की नहीं दिया हुआ, तो हम किस शो आईडी की बात करें, और मैं अगर यहाँ आऊँ तो जाहिर सी बात है कि मैं इस वाले की बात कर रही हूँ शो आईडी की, ठीक है ना। वहाँ पे आप एक आईडी बताओगे और टाइम बताओगे तो कौन सा स्लॉट इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे हमारे पास लगेगा। तो अच्छा, ये जो मांग रहा है ना वो ये वाली की मांग रहा है के, ये कह रहे हैं शो की टाइम आईडी दें, और जब मैं इधर देखूँ ना तो मेरे, और इधर शो टाइम आईडी के ऊपर मैं जब जाती हूँ तो वो ये कहता है कि शो आईडी दो। तो अब मैं इनमें से कौन सा टेबल जो है वो पहले फिल कर, मतलब ये इधर भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है। मूवी आईडी तो मिल जाएगी आपको, सैनमा आईडी भी मिल जाएगी, जो शो टाइम आईडी है वो आपके पास इसको फिल करने के बाद मिलेगी। अब इसको फिल करने के लिए मुझे शो आईडी इधर प्रोवाइड करनी, यानी ये वाली आईडी इसको देनी है, ठीक है ना। तो इसमें फिर मेरे पास होगा ये कि इसके अंदर बीच में ना मुझे एक ब्रिज टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दोनों ही फॉरेन की उठकर आ रही होंगी, मतलब ये वाली भी आ रही हो और ये वाली भी उठ के आ रही हो, या पर्टिकुलर टाइम बना दूँ, सिर्फ टाइम आईडी बना दूँ, शो टाइम या जो भी आईडी है इधर, या तो मैं इसको रिमूव कर दूं कि शो आईडी नहीं है किसी भी उसकी पर्टिकुलर की ये वाली आईडी, और मल्टीपल
शो के ऊपर मल्टीपल आईडी अगर हमें यहाँ लगानी है, इसका एक अनदर हमें बनाना पड़ेगा जो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों टेबल के बीच में, जिस तरह फॉरेन फॉरेन की चल रही होगी, कि किसका ये है शो आईडी, आईडी यहाँ पे आएगी। देन उसके बाद ये जरा सा वो है, टाइम का है, इस वाले कॉलम को मैं अगर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, मेरे पास आईडी और टाइम स्लॉट है, तो टाइम स्लॉट की जो ये वाली आईडी है वो यहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन ये जो इस्तेमाल होगी वो नहीं, वो मसला नहीं है, ये तो शो टाइम आईडी है, ठीक है, लेकिन ये उस वाले की नहीं है, वो इधर मुझे इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, रिलेशनशिप व्यू, इसको मैं जरा शो टाइम आईडी को यहाँ से ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है, नहीं इधर मैं ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे एक बीच का टेबल चाहिए जो उन दोनों को ज्वाइन कर सके। ये तो मेरे पास मल्टीपल टाइम है, वो मेरे पास यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर शो टाइम के साथ एडजस्ट करना चाहिए, कि इस टाइम के ऊपर मेरे पास जो लेट सपोज मल्टीपल मूवी के ऊपर मल्टीपल आईडी आएगी ना, जो शो है ना, अब शो अगर आपके पास, मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास जो इसका स्ट्रक्चर है, ये मूवी है इस डेट को इस टाइम पे लगी हुई है, एक टाइम हो गया, फिर सेम मूवी इसी डेट के ऊपर मेरे पास दूसरे टाइम पे भी लगी हुई, और इस पे नंबर सीट ये है और सैनमा ये है, ठीक है, अलग भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आईडी ही दे देती हूँ, ठीक है, चलो वही लगा लो, सिर्फ टाइम रखो उसकी, वो नहीं रखो, ठीक है, कर दो वापस इसको ऐड, शो टाइम आईडी, और हमारे पास शो टाइम की सिंपल आईडी के साथ ही इसको सेव कर दो। शो टाइम में से मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या हटा दिया है, शो शो की आईडी हटा दी, ठीक है, इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कराए, वरना फिर हमारे पास ना कंफ्यूजन ही हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी भी मांग रहा है, वो उसकी भी मांग रहा है, तो दोनों में से टेबल में किसी में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास 9, बल्कि मेरे पास है 1 PM से 1, 2, 3 की है, ठीक है, 3 PM, ठीक है, एक टाइम स्लॉट मेरे पास ये है, सही है, तो आपके पास जो टाइम स्लॉट्स होंगे ना, वो सिर्फ स्लॉट इस तरह आ रहे होगी, सिर्फ आईडी लग रही होगी, ये बार बार लग सकती है, इसका मसला नहीं है, 1 से 3 का शो है और 3 से 5 का लगाना है, 3 से 5 का नहीं लगा रही मैं, 3:30 PM से 5:30 PM का, सही है, एक ये हो गया, बस क्या हो सकता है, फिर हम यहाँ पे लगा रहे हैं 6 बजे, 6 से 8, ठीक है, और फिर हम लगाएंगे 8:30 से PM ही है ना, ठीक है, हमारे पास 9:10:30, ठीक है, नाइट के लिए 10:30 से फिर 1:11 पे लगा देते हैं, जो हमारे पास चलेगा रात 11 PM से, और ये चलेगा 1 AM, ठीक है, सही है, ये बस हमारे पास लास्ट, हमारे पास ऑप्शन ही यही है कि हमारे पास जो शो टाइम्स हैं वो है ये, सुबह के नहीं है, दोपहर से हमारे पास शुरू होते हैं, मॉर्निंग का नहीं है, 1 बजे से 3 बजे का है, 3:30 से 5 है, 6 से 8 है, 8:30 से 10:30 है, फिर ये है, और भी अगर आप टाइमिंग में रखना चाहते हो तो और टाइमिंग भी हो सकती है, जैसे कोई चीज़, कोई फिल्म 3 घंटे की है, तो उसके ड्यूरेशन आपके पास क्या होंगे,
वो ज़्यादा बड़े हुए होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप रख सकते हो कि भाई ये जो है वो एक से जो है वो क्या कहते हैं 3 पे नहीं है, बल्कि ये जो है वो 1 से 4 में ख़त्म होगी। तो वो सारे स्लॉट भी आप इसके बीच में डाल सकते हो, तो जो होगा वो पर्टिकुलर आप स्लॉट इसमें से उठा सकते हो, ठीक है। तो वो इसकी आईडी जो है ना वो वहाँ पे शो के अंदर जो है ना वो ऐड कर लेगा कि भाई आप किस स्लॉट के ऊपर जो है वो आपने बुक कराया, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है ना बाकी का डाटा भी क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तो मैंने टाइम पे कंप्लीट किया, शो का मैं उस वक्त तक नहीं रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकती, ठीक है। अब खैर हो जाएगा इसमें, सन आईडी में मैं यहाँ शेड्यूल कर देती हूँ। यहाँ देखो, अब जो फॉरेन की बनी हुई होती है ना बेटा, उसमें फिर ये इस तरह आ रहा होता है हमारे पास, शो आईडी है तो मैंने क्या लगाना है, सही है। तो मूवी आईडी है, ब्राउज़र फॉरेन की वैल्यू क्यों आ रहा है भाई, सर्च करो। अच्छा मूवी अभी इसमें है नहीं ना इसलिए, ठीक है। मूवी का रिकॉर्ड मैं जब इंसर्ट कर दूंगी ना तो यहाँ से मैं मूवी आईडी भी उठा लूंगी। तो मूवी आईडी कौन सी मूवी है, कौन सी डेट को लगाऊंगी, शो टाइम मेरे पास कौन सा है ये सिलेक्ट कर लूंगी, सीट नंबर, नंबर ऑफ सीट कितनी है इस मूवीज़ के लिए, कितनी है 30 का है, 50 का है, कितना क्राइटेरिया है आपका, और सैनमा हमारे पास कौन सा है। गो करेंगे तो हमारे पास शो जो है वो सेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास सीट डिटेल्स है, सीट डिटेल में आप आ जाओ। सीट डिटेल के अंदर होता है कि किस कस्टमर ने किस शो के अंदर कितनी सीट कौन से नंबर की बुक कराई है, ठीक है ना। तो जब आप वहाँ पे शो आईडी बुक कर लोगे कि नंबर ऑफ 5 सीट चाहिए, तो 5 सीट के बाद क्या होगा कि इसके अंदर ऑटो बैक पे जो है ना रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा होगा। जो रिमेनिंग सीट होंगी ना ये उसी के आगे ना लास्ट सीट में नंबर ऐड करके जो है वो क्या करेगा, आपको ऐड कर देगा, ठीक है। या तो हम इससे एक पैनल भी बना लेते हैं कि जो जो आप यूँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे ना वो वाली सीट आपको ये दे देगा, उसका नंबर दे देगा, वो भी बनता है ना। एक बना हुआ नहीं होता सीट का बना हुआ होता है, 40 सीट है, 40 आ रही है, लेकिन जो सीट्स बुक होंगी ना वो आप क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। और जो फिर आप जो सिलेक्ट करोगे ना उसमें मल्टीपल चेक बॉक्स होता है बेसिकली बैक पे, तो आप उस पर जिस पे चेक लगाओगे उसी का नंबर वो यहाँ पे डाल के क्या कर देगा, एंटर कर देगा, तो ये सीट नंबर आपकी बुक हो जाएगी। जाहिर सी बात है अगर आप एक साथ 10 सीट बुक करा रहे तो आप 10 सीटों पे एक साथ नहीं बैठना चाह रहे, लाइन से नहीं बैठना चाह रहे, 2 इधर बैठना चाह रहे हैं, 4 उधर बैठना चाह रहे हैं, 5 पीछे की तरफ कोई बैठना चाह रहा है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग के हिसाब से भी आप डिफरेंट सीट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये उस तरीके से हम बना सकते हैं, फिर ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। मूवी के अंदर मैंने चीज़ें और ऐड कराई थी कि हमारे पास जो मूवी का नाम क्या है, रिलीज डेट क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, सही है। और भी चीज़ें मैंने हर ऐड करवाया था, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या क्या थी उसकी मूवी के बारे में, ठीक है। वो सारी चीज़ें वो खैर डेटाबेस हमें मिलेगा तो वो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। और फिर इस तरह हमारे पास बुकिंग में जाके हमारे पास बुकिंग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑफर्स हैं, फिर हम ऑफर्स का भी बना लेंगे टेबल और हम अपनी ऑफर्स भी डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। यहाँ तक फिलहाल इतना ही है, सिर्फ हमने